सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम IQ Z3 इस मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। दोस्तों, आपको IQ Z3 इस मोबाइल के दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 6GB रैम और 8GB रैम। दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल को परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन को इस तरीके से होल्ड करना है। जैसे ही आप होम स्क्रीन को होल्ड करते हैं तो देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे होम सेटिंग्स ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैजेस, इसे यहाँ पे से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे आइकॉन साइज़ को भी आप यहाँ पे से रिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अभी ये नॉर्मल पे, अगर आप चाहे तो इसे लार्ज या स्मॉल पे कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे होम स्क्रीन रोटेशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये डिसेबल होता है, अगर आप चाहे तो इसे भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब आपकी होम स्क्रीन पे आएंगे तो इस तरीके से जब आप इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी होम स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, जो कि आपको सिर्फ IQ Z3 और IQ के मोबाइल्स में मिलता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से आपकी होम स्क्रीन की सेटिंग में विजेट्स इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे से देखिए दोस्तों, अगर आपको जो भी विजेट यहाँ पे आप चाहे तो आपके होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे से सिलेक्ट करके इसे होल्ड करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप इस तरीके से इसे यहाँ पे स्लाइड बार को डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से इसका ग्लोबल सर्च ये ऑप्शन दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसे भी यहाँ पे से डिसेबल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस इसे इसकी होम स्क्रीन की सेटिंग में आना है और यहाँ पे से देखिए दोस्तों, आपको होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन, ये जो ग्लोबल सर्च है, देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पे इसे नोटिफिकेशन सेंटर सिलेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों, जब हम यहाँ से बैक आते हैं तो ये देखिए आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन सेंटर ये ओपन हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन सेंटर में भी हम यहाँ पे और भी ज़्यादा सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपको इसके अंदर हॉटस्पॉट और वाईफाई ये दोनों ही फंक्शंस को एक साथ इस्तेमाल करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहे तो अगर आप आपका वाईफाई को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो आपके हॉटस्पॉट से आपके इंटरनेट को आप आपके हॉटस्पॉट से किसी भी बंदे को आपका इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके दे सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डार्क थीम ये दिखाई दे रही है, तो दोस्तों यहाँ पे से आप डार्क थीम को भी यहाँ पे इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डार्क मोड इनेबल हो चुका है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको रेक्टेंगुलर शेप का भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आप फनी स्क्रीनशॉट और इस तरीके से रिकॉर्ड एनिमेशन, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स से स्क्रीनशॉट्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये सारी फंक्शंस के बाद में देखिए दोस्तों, अभी हम इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट स्पीड ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे से देखिए दोस्तों, आप हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से आपके हॉटस्पॉट का पासवर्ड और आपके हॉटस्पॉट का नेटवर्क नेम, ये दोनों भी चीज़ों को आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हमारा यहाँ पे हॉटस्पॉट नेटवर्क नेम IQ Z3 5G ये डिफ़ॉल्ट सेट है और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे से इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे इजी पासवर्ड को यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद में हम ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे से देखिए दोस्तों, आप आपके मोबाइल को अगर आप आपके स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट मिररिंग ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे यहाँ पे से ओपन कीजिए। और यहाँ पे से देखिए दोस्तों, आप आपके मोबाइल को स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं आपके स्मार्ट टीवी या लैपटॉप पे। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है दोस्तों, अगर आप आपके मोबाइल को आपके स्मार्ट टीवी या लैपटॉप पे आपको इसे कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे से स्क्रीन कास्ट की मदद से आपके मोबाइल की स्क्रीन को आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लेन ब्राइटनेस इसकी सेटिंग दिखाई दे रही है, आप इसे ओपन कीजिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ों को भी कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिख जाता है। स्टेटस बार ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ये डिसेबल दिखाई दे रही है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ये भी डिसेबल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप इन दोनों चीज़ों को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड और बैटरी परसेंटेज ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ से इनेबल करके आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दोस्तों आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी आपको IQ Z3 के अंदर 120 हर्ट्ज का LCD पैनल मिल जाता है। तो दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे चाहे तो इसे 120 हर्ट्ज पे भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे 90 हर्ट्ज पे भी सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 60 हर्ट्ज पे भी सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पे स्मार्ट स्विच पे यहाँ पे सेट किया हूँ। स्मार्ट स्विच में दोस्तों, ये आपके एप्लीकेशंस के हिसाब से आपके स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों, इससे आपकी बैटरी भी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पे हम लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप आपके मोबाइल के लिए डिफरेंट थीम्स को यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड मोड को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपके मोबाइल के लिए जो भी कस्टमाइजेबल यहाँ पे थीम्स है वो आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पे से वॉलपेपर्स को भी यहाँ पे आपके मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको यूज़फुल दिखता है आपके मोबाइल के लिए, आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट्स ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे, आप दोस्तों इसे ओपन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे से आप आपके मोबाइल के ऊपर लाइट के इफेक्ट्स को और यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशंस को, इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशंस दिख रहे। अगर आपको यहाँ पे से इसके एनिमेशंस को चेंज करना है तो आप यहाँ पे से इन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको साउंड सेटिंग ही दिखाई दे रही है, आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आप आपके मोबाइल के साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे वाइब्रेट फॉर कॉल्स, ये यहाँ पे नेवर वाइब्रेट पे दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पे से अगर चाहे तो आप ऑलवेज वाइब्रेट इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे टच वाइब्रेशन ये डिसेबल होता है दोस्तों, अगर आप चाहे तो यहाँ पे से इसे भी इनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैप्टिक फीडबैक यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे से देखिए दोस्तों, आपको ऐप क्लोन्स ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल की है, तो यहाँ पे मुझे फेसबुक का क्लोन यहाँ पे क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे से इसे इनेबल कर दिया, दो डिफरेंट अकाउंट्स को एक ही मोबाइल में आसानी से इस्तेमाल कर सकते, तो दोस्तों इस तरह से आप एप्लीकेशंस का क्लोन दो डिफरेंट अकाउंट्स के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको सिक्योरिटी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे से देखिए दोस्तों, आप आपके मोबाइल के अंदर फाइंड माई डिवाइस इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखिए। दोस्तों अगर आपका मोबाइल कहीं पे भी लॉस हो जाता है, गुम जाता है, तो आप आपके मोबाइल को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपके मोबाइल का सारा डेटा इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल फीचर होता है दोस्तों, तो आप हमेशा आपके मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस को ऑन रखिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे से इन सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे से आपके मोबाइल के लिए स्क्रीन लॉक और फिंगर लॉक ये सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको अल्ट्रा गेम मोड ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन कीजिए। देखिए दोस्तों, अल्ट्रा गेम मोड ये आपको यहाँ पे एक इसके अंदर एक साइड बार दिखाई देता है दोस्तों। अगर आपने जब भी यहाँ पे से इसे इनेबल किया तो आप गेम के अंदर एक साइड बार यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिना गेम को डिस्टर्ब किए कि आपके मैसेजेस वगैरह का रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आप यहाँ पे से इनेबल करके आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को IQ Z3 में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमें शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डिफरेंट शॉर्टकट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये एस कैप्चर में आप यहाँ पे से थ्री फिंगर स्लाइड डाउन करके स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्मार्ट स्प्लिट ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे से आप थ्री फिंगर्स को अप करके स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे स्मार्ट मोशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से दोस्तों अगर हमने यहाँ पे से इसे इनेबल कर दिया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे होते। और अभी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे से ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे इसे डबल टैप किया तो हमारा मोबाइल लॉक हो चुका है। अभी जैसे हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है। दोस्तों इस फीचर की मदद से आप बिना पावर बटन दबा के आपके मोबाइल को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका पावर बटन भी यूज़ नहीं होगा और इस तरह से आप आपके मोबाइल को बहुत ही आसानी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इजी टच ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये फंक्शन यहाँ पे डिसेबल होता है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे इसे इनेबल किया तो एक आपको यहाँ पे इस तरीके से ये बॉल का एक फंक्शन दिखाई देता है दोस्तों, ये आपके होम स्क्रीन पे आप यहाँ पे इसे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि देखिए आपको स्क्रीन शॉट, कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फ्लैश लाइट, इस तरीके से ये फंक्शंस है दोस्तों। अगर आप चाहे तो इन फंक्शंस को यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे आपके मोबाइल के लिए शॉर्टकट्स यूज़ करना है तो आप इसे यहाँ पे से इनेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में वन हैंड मोड ये ऑप्शन भी दिखाई देता है दोस्तों, आप इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे से देखिए दोस्तों, अभी आपके मोबाइल का वन हैंड मोड ये डिसेबल है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे से इनेबल किया तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप आपके मोबाइल के अंदर वन हैंड मोड को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यूज़ करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, आपको इस तरीके से आपकी फिंगर को यहाँ पे होल्ड करना है और इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम होम स्क्रीन पे आते हैं, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसे इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी आपका मोबाइल वन हैंड मोड में आ चुका है दोस्तों। जब आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे से इसे ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम को ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से अगर आप चाहे तो आपके मोबाइल का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप IQ क्लाउड पे या फिर गूगल सर्वर पे आपके मोबाइल का डेटा बैकअप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से रिस्टोर ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे से आप आपके डेटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे रीसेट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में देखिए दोस्तों, आपको आपके मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ से आप आपके मोबाइल का सारा डेटा इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने IQ Z3 इस मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स देखे। दोस्तों अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।